खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। तो वहीं देश में कोरोना के कुल मामले 57 लाख के पार हो गए हैं। कोरोना के कुल केस 57,32,672 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 86,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में 87,374 मरीज ठीक हुए हैं। लगातार छठे दिन ठीक होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों से ज्यादा है। अब तक कुल 46 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटे में 1,129 की मौत हुई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में आपको बता दें कि 43,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और फिर संक्रमित लोगों की कुल संख्या 57 लाख से भी ज्यादा तक पहुंच गई है, जिनमें से 45 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में मरीजों के ठीक होने की दर 81.25% हो गई है। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में से 86,000 से भी ज्यादा केसेस सामने आए हैं और 24 घंटे में ही 87,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। तो वहीं लगातार छठे दिन ठीक होने वालों की जो संख्या है वो संक्रमित होने वाले लोगों से भी ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हर दिन हो रही है और ऐसे में हालात चिंताजनक बन रहे हैं। लेकिन क्योंकि टेस्टिंग की गति अब तेज हो गई है, इसलिए मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं और इलाज भी उसी तरीके से किया जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।